नमस्कार दोस्तों, शिवना साहित्यिकी के साहित्य मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई पुस्तक की चर्चा के साथ फिर उपस्थित हैं और इस समय जब नई दिल्ली में प्रगति मैदान पर विश्व पुस्तक मेले का आयोजन चल रहा है और सारा साहित्य समाज पुस्तकों के उत्सव में डूबा हुआ है, तब हम उस उत्सव में और थोड़ा रंग भरने के लिए एक ऐसी पुस्तक को लेकर उपस्थित हैं जो पुस्तक उत्सव में नए रंग भरने का काम करेगी संगीत के माध्यम से। साहित्य और संगीत, कला की दो अलग अलग विधाओं की जब संगत होती है तो क्या परिणाम निकलता है, उसी के बारे में आज हम यहां इस उपन्यास पर चर्चा करेंगे। ये उपन्यास वर्ष 2016 में प्रकाशित होकर भारतीय ज्ञानपीठ से सामने आया और बिल्कुल नए तरह का ये उपन्यास है क्योंकि ये दो कलाओं की संगत का परिणाम है। संगीत और साहित्य की संगत के परिणाम से उपजा हुआ उपन्यास है जल तरंग। जल तरंग, जिसे लिखा है कवि, कथाकार, उपन्यासकार संतोष चौबे ने। इस उपन्यास की चर्चा करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये अपनी तरह का शायद पहला प्रयोग है जब कला की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा संगीत को साहित्य के साथ में लेकर और एक कृति के रूप में हम सामने देख पाते हैं। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह संगीत के बारे में एक उपन्यास है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह बिल्कुल विपरीत एक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। विपरीत का मतलब ये वास्तव में ये शोर पर बात करता है, उस शोर पर बात करता है जो शोर हमारे आसपास फैला हुआ है, जिस शोर से हम सब परेशान हैं, और उस शोर से एक संगीत प्रेमी, एक रसिक श्रोता और एक संगीतकार किस तरह से परेशान होता है उसकी कहानी कहता है यह उपन्यास जल तरंग। देवाशीष और स्मृति के बहाने भारतीय संगीत के इतिहास की चर्चा करता है। भारतीय संगीत ने कहां कहां, किस किस इलाके में, किस किस क्षेत्र विशेष में क्या क्या उस पर काम हुआ, क्या नए राग, क्या नई रागिनियां और किस किस ने वहां वहां काम किया, इन सब के बारे में यह उपन्यास चर्चा करता है। संतोष चौबे जी हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं और उनके पिछले दोनों उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं और उसी क्रम में यह तीसरा उपन्यास है, क्या पता कामरेड मोहन, राग केदार और उसके बाद जल तरंग। इस किताब को जब हम खोलते हैं और इसकी हम जब अनुक्रम को देखते हैं तो इसमें पांच खंड हैं। आलाप है, जोड़ है, विलंबित है, द्रुत है और झाला है। जो लोग संगीत से परिचित हैं वो इन पांचों नामों को सुनकर समझ जाएंगे कि ये उपन्यास किस पैटर्न पर लिखा गया है। मतलब ये एक शास्त्रीय गायन का पूरा क्रम है कि आलाप है, जोड़ है, विलंबित है, द्रुत है और झाला है। उसी पैटर्न पर पूरा का पूरा उपन्यास रचा गया है। अगर हम इस उपन्यास की कथा तत्वों पर जाएंगे तो देवाशीष और स्मृति दो संगीत, पहले वो संगीत के प्रशिक्षु रहे, फिर संगीतकार होते हैं, फिर संगीत के शोध की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और उसके बाद में कहानी का अंत जहां पर वो दोनों संगीतकार अपने आसपास हो रहे शोर में घिर जाते हैं, उससे संघर्ष करते हैं और टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर जीतते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये शोर की कहानी है, ये उस शोर की कहानी है जो हमारे चारों तरफ हम सब की तरफ इतना आक्रामक होकर फैला हुआ है कि वो बहुत जो नाजुक संगीत की लहरियां हैं उनको सुनने के लिए जो सुकून चाहिए, जो शांति चाहिए वो हमें उपलब्ध नहीं है, वो हमारे घरों में घुस रहा है, वो शोर
हर उस जगह पर जा रहा है जहां पर हम शांति की तलाश में जाते हैं। ये इस उपन्यास का मुख्य बिंदु है। लेकिन लगातार समीक्षकों ने इस उपन्यास पर जो चर्चा की वो इसके संगीतिक पक्ष की तरफ चर्चा की। असल में होता यह है कि हमारे यहाँ समीक्षा का एक सेट पैटर्न बन जाता है और हर समीक्षक पिछले समीक्षक को ही थोड़ा आगे बढ़ाकर पुस्तक की समीक्षा करता है। मैं यहाँ पर जरा सा असहमत होकर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक को समीक्षक एक बार फिर से नई दृष्टि से देखें और ये देखें कि ये उपन्यास वास्तव में शोर की चर्चा करता है। ये संगीत की चर्चा अपनी जगह करता है लेकिन इस किताब का उद्देश्य और इस किताब के सरोकार जो हैं वो शोर को लेकर जुड़े हुए हैं कि हम जो संगीत रसिक हैं, हम जो जीवन में कहीं शांति तलाशते हैं, हमारे जीवन में जब शोर का प्रवेश होता है तो वो शोर हमारे जीवन को कितना डिस्टर्ब करता है। ये उपन्यास वे लोग जो संगीत के प्रेमी हैं उनके लिए तो किसी सौगात की तरह है, क्योंकि इसके तीनों खंडों की अगर हम बात करते हैं, पहला खंड जहां पर देवाशीष और स्मृति संगीत के प्रशिक्षु के रूप में सामने आते हैं, फिर जब वो स्वयं संगीतकार बन जाते हैं उसके बाद उनकी यात्रा है भारतीय संगीत के इतिहास को खोजने की। और ये यात्रा केरल से शुरू होती है, औरंगाबाद पहुंचती है, औरंगाबाद से ग्वालियर पहुंचती है, ग्वालियर से ब्रजभूमि पहुंचती है, ब्रजभूमि से कलकत्ता पहुंचती है। भारतीय संगीत के इतिहास को तलाशने में ये यात्रा पूरे भारत से होकर गुजरती है और अलग अलग संगीत घरानों के पास जाती है, उन संगीत घरानों की जानकारी हम पाठकों को देती है, फिर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ जाती है और हरेक जगह पर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा ये सारी सूचनाएं देवाशीष और स्मृति एकत्र करते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि ये भारतीय संगीत के इतिहास की बहुत विशद पड़ताल है। उपन्यास यद्यपि छोटा है, उपन्यास के पृष्ठ अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 143 पेजों का ये उपन्यास है, लेकिन इस छोटे से उपन्यास में एक बड़ी यात्रा है। बड़ी यात्रा है मतलब ये भारतीय संगीत की पूरी कहानी कह देता है। वो पूरी कहानी जिसको कहने में, जिसको सुनने में हमें बहुत समय लगेगा, उसको पूरा इस उपन्यास के माध्यम से कह दिया गया है। संतोष चौबे जी के पास अपनी एक विशिष्ट भाषा है, वे बहुत गंभीर होकर चीजों पर बात करते हैं। उनके उपन्यास जो पिछले आए हैं उनकी कहानियां अगर हम देखें तो उनकी कहानियों में गंभीरता केंद्र में रहती है और एक प्रकार की उदासी होती जो उस गंभीरता के पास से बिखरी होती है। उनका प्रेम भी उदास होता है, ये संगीत है तो यहां भी एक उदासी है। लेकिन संतोष चौबे जी ने कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं इसमें खोजी हैं और उन परिभाषाओं के माध्यम से उन्होंने कला के सारे पक्षों की तलाश की। जैसे कला के लगभग सारी विधाओं का एक प्रमुख गुण होता है रस, उस रस पर बड़ी अच्छी चर्चा संतोष चौबे जी ने की है देवाशीष के माध्यम से। ललित कलाओं का सृजन सुंदरता के लिए होता है, उनका प्रस्तुतिकरण भी सुंदरता लिए हुए होता है, सौंदर्य का परिणाम आनंदमय है, कला के तत्वों में सौंदर्य एक विशेष तत्व है एवं सौंदर्य तत्वों में आनंद एक लक्षण है, जो कला एवं आनंद का एक विशेष संबंध हुआ। जब सुंदरता से आत्मिक आनंद प्राप्त होता है तब उसे रस कहते हैं, इसका अर्थ है सुंदरता की परम अनुभूति। रस को इस उपन्यास में बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है। जब सुंदरता से आत्मिक आनंद प्राप्त होता है तब उसे रस कहते हैं, इसका अर्थ है सुंदरता की परम अनुभूति। कला की सारी विधाएं रस के इर्द गिर्द घूमती हैं, रस को अपने अंदर समाहित किए हुए बहती हैं और रस का जो प्रवाह होता है वही पाठक तक पहुंचता है और पाठक को छूता है। जैसे हम संप्रेषणीयता कहते हैं, वो कहीं ना कहीं रस में प्रवाहित होकर ही पाठक तक पहुंचती है, उसको बहुत अच्छे से इस किताब में बताया गया है। जो यात्रा है जिसमें भारतीय, जिसको भारतीय संगीत की यात्रा कहा गया है, जिसमें पढ़ीकर गुरु जी से मुलाकात और फिर वहां उनका अध्ययन है और उसके बाद में फिर देवगिरी से होते हुए शारंगदेव, गोपाल नायक, अमीर खुसरो के पास ये पड़ताल पहुंचती है, ग्वालियर, ध्रुपद, मानसिंह तोमर, गुजरी,
उन सारी चीजों को तलाशते हुए ये चलती चली जाती है, ब्रज, अवध, बेजू, तानसेन से होकर कलकत्ता पहुंचती है। और ये यात्रा एक आख्यान की तरह चलती है और बहुत सुंदर भाषा में इस यात्रा का वर्णन संतोष चौबे ने किया है। हाँ, ये जरूर होता है कि कहीं कहीं उस यात्रा के वर्णन के क्रम में ये उपन्यास उपन्यास की फॉर्मेट से थोड़ा सा बाहर निकल आता है और एक शोध पत्र जैसा हो जाता है। ये उपन्यास के फॉर्मेट को पसंद करने वाले लोगों को ये बात थोड़ी सी असहज इसलिए लग सकती है क्योंकि भारत में शोध उपन्यासों का बहुत ज्यादा अच्छा इतिहास नहीं रहा है। ये उपन्यास बहुत शोध करके लिखा गया है इसलिए पाठकों को उस शोध की पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस किताब के पीछे अगर हम जाते हैं तो यहां पर संदर्भ सूची है, लगभग 28 किताबों की यहां लंबी संदर्भ सूची है कि भारतीय संगीत के बारे में इन 28 किताबों में से जानकारी ली गई है। और फिर राग रागनियों के इतिहास का एक पूरा परिशिष्ट है जिसमें 500 ईसा पूर्व, सन 200 से 400 तक कौन सी राग रागनियां, 300 और उससे लेकर अभी तक पूरी राग रागनियों का इतिहास दिया गया है। तो निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं कि किसी शोध को लेकर कोई उपन्यास लिखा गया है तो फिर ये बात तो सामने आती है कि उपन्यास थोड़ा सा शोध ग्रंथ जैसा हो जाएगा। और बीच में जब यात्रा चलती है तब ये थोड़ा सा जो रस से थोड़ा सा बाहर निकलकर और ज्ञान में चला जाता है। तो जब रस का रस भंग जहां होता है और जहां से ज्ञान शुरू हो जाता है वहां पर थोड़ा सा पाठक असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन संगीत के जानकारों के लिए तो ये किताब मैंने कहा कि किसी उपहार से कम नहीं है। और फिर इस किताब का अंतिम भाग जहां पर देवाशीष और स्मृति के जीवन में शोर का प्रवेश होता है, वो देवी जगराते के माध्यम से होता है, वो सड़क पर डीजे बजाती हुई बारात के माध्यम से होता है, वो कॉलेज खुल जाने के माध्यम से होता है। और वो प्रतीकों के रूप में बहुत अच्छा उपयोग संतोष चौबे ने किया है कि एक मानव जीवन में किस किस प्रकार से शोर की एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रहा है। और उसमें देवाशीष की छटपटाहट है, उसकी व्याकुलता है, उसकी बेचैनी है जिसे स्मृति समझ तो पा रही है लेकिन स्मृति इन सब के बीच में संतुलन साधने के लिए देवाशीष को तैयार करती रहती है। वो बताती है कि अब जीवन को इसी प्रकार से जीने की कोशिश करनी चाहिए। और देवाशीष विद्रोह करता है, प्रतिरोध करता है, पलायन नहीं करता है और वो लड़ता है। आखिरी का हिस्सा उस लड़ाई की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है। निश्चित रूप से ये एक नए तरीके का उपन्यास है। हिंदी में इस तरह के उपन्यासों के लिखने का क्रम बहुत कम रहा है। संतोष चौबे जी ने ये नए तरीके का उपन्यास लिखा है, इसके लिए उन्हें बधाई। संगीत और साहित्य कला की दो अलग अलग विधाओं का अंतर संबंध है। ये दो कलाओं की संगत है और दो कलाओं की संगत का परिणाम है ये उपन्यास जल तरंग। अवश्य पढ़िए। नमस्कार।